तो कैसे हो आप सब? आप लक्ष्मी किचन देखते रहिए और नए नए व्यंजनों का लुत्फ उठाते रहिए। हम आज गुड़ की जो लड्डू होती है मुरमुरे का और तिल का, आज हम वो रेसिपी लेके आए हैं दोस्तों कि घर पे हम कैसे बनाएंगे। तो हमने एक डेली गुड़ ले लिया है ऐसे वाला। हम कम गुड़ में ज़्यादा गुड़ की मुरमुरे की लड्डू बनाएंगे। हमने ऐसा गुड़ एक ले लिया है और हम इसको पाक बना रहे हैं। थोड़ा सा पानी हल्का सा और गुड़ उसको हम पिघला रहे हैं। पिघला के उसको पाक बनाएंगे, फिर हम लाई बनाएंगे। तो हमने ये मुरमुरे ले लिए हैं एक पतीले। अब हम इसमें थोड़ा कम कर देंगे जब तक हमारा गुड़ का पाक तैयार हो रहा है दोस्तों। ये हम बाजार से खरीद के लाए हैं दोस्तों मुरमुरे। ये अभी संक्रांति के उपलक्ष्य पे ये 40-45 रुपए केजी मिल जाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मेरा पाक तैयार हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें पाक ही नहीं बनाना आता, तो पाक बनाना बहुत ही इजी है दोस्तों। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस गुड़ पिघला के और ये साइड साइड से ये देखिए गुड़ हमारा छोड़ रहा है, जैसे सब्जियों में तेल छोड़ता है वैसे गुड़ छोड़ रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि ये पाक तैयार है। वैसे हाथ में भी आप लेके देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल चिपक रहा है। ये हमारा पाक अब तैयार हो गया। अब हम उसमें मिक्स करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें मिक्स कर देंगे बढ़िया से ऐसे। ये देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं, हमारे वीडियो से जुड़े रहें और नए नए व्यंजनों का लुत्फ उठाते रहें दोस्तों। ये देखिए, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे पास बर्तन बड़ा नहीं है, अगर आपके पास बड़ा बर्तन हो तो वो बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं, जिससे आप फैला के अच्छे से इसको मिक्स कर सके। ये देखिए, हम इसे थोप देंगे हाथों से, इसमें अच्छे से साफ करके और इसे दबा देंगे। अपने अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा आटा हम लिए हैं दोस्तों। हाथ में अगर चिपके तो आटा हम लगा लेंगे हाथों में और ये आराम से अपने हाथों से ये ऐसे करके हम लड्डू बना लेंगे इसके। कोई मुश्किल बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है और कम गुड़ में इस तरीके से आप लड्डू बना सकते हैं। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद होता है, तो जिसको जैसा मीठा पसंद होता है वैसा बनाते हैं। हम तो गुड़ इसमें कम ही डालते हैं क्योंकि हमें कम मीठा पसंद है दोस्तों। ये देखिए, अब हम सारी आपको जैसा गोल बनाना है, जितना छोटा उतना बना लीजिए। हमारे तो इतने बड़े बड़े ही बनते हैं, बच्चे एक एक लेके खा लेंगे, दो दो खा लेंगे। ये देखिए, देखिए दोस्तों, हमारा ये लाई बन के तैयार है। इसे हम लाई भी कहते हैं और गुड़ का मुरमुरे वाला लड्डू भी कहते हैं।
और ये हमारा लाइव बन गया है। अब ये थोड़ा सा बचा हुआ है तो हम दोबारा से पाक बनाएंगे और ऐसे ही फिर प्रोसेस करके और ऐसे हम सारी लाइयों को ऐसे लड्डू बना लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और स्वादिष्ट व्यंजनों का भरपूर लाभ उठाते रहें।